तो भैया अभी वर्ल्ड कप चल रहा है एंड आई रिमेम्बर कि जैसे ही वर्ल्ड कप का शेड्यूल आया था आई कॉल्ड माय फ्रेंड। वी वर बोथ सो डेस्परेट टू सी अ मैच एंड 16 नवंबर को ईडन गार्डन्स में सेमीफाइनल होना था एंड यही एक डेट था जो कि हम दोनों के शेड्यूल में सही बैठ रहा था। अब 15 नवंबर की रात को टिकट का जुगाड़ हुआ और 16 नवंबर को सुबह 6 बजे की ट्रेन से हम कोलकाता निकल गए। अब टिकट तो था नहीं तो जनरल से ही सफ़र करना पड़ा। চাই চাই মিক্স দেখি দাদা একটু পাটা এখানে করে ঠান্ডা দিয়ে নাও একটু পাটা ঠান্ডা দিয়ে নাও আমার হাইটো ভালো তো लगता हावड़ा आने वाला है। ऑब्वियसली उधर ही जा रहे हैं। कोलकाता हम काफी बार जा चुके हैं एंड देर इज अ वाइब अबाउट दैट सिटी जो कि हावड़ा पहुंचते ही आती है। येलो टैक्सीज, पेंटेड सिटी बसेस दिखेंगी रोड पे एंड ऑब्वियसली द फेमस हावड़ा ब्रिज। द सिटी इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। We are right now going to take a ferry to Eden Gardens. और वो जा रही है हमारी फेरी तो हमें जस्ट वेट करना होगा दूसरे आने की। भाई एक्साइटेड फॉर द गेम? वेरी एक्साइटेड। तो दिख ही रहा है मुंह पे। Here comes our ferry. ये जनरल डब्बा लग रहा है। वो दूर में ईडन गार्डन्स का फ्लड लाइट्स दिख रहा है। हम लोग इतने एक्साइटेड थे मैच के लिए। वी आर फ्रेंड्स इन लोअर केजी सो आई थिंक 16-17 साल की दोस्ती है हमारी। हमने 5 साल साथ झारखंड क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट भी खेला है एंड वी आर बोथ डाई हार्ड क्रिकेट फैंस। 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तब से मेरा क्रिकेट में इंटरेस्ट आया था एंड 2013 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल लाइव देखना इट्स लाइक मेरा बचपन का बकेट लिस्ट पूरा हो रहा है। The atmosphere in the stadium was unbelievable. जरा मैच के बारे में बताइए। मैच बहुत इंपॉर्टेंट है आज का क्योंकि 99 वर्ल्ड कप में भी सेम मैच हुआ था एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इट वाज अ टाई मैच पर ऑस्ट्रेलिया क्योंकि हायर फिनिश की थी तो जीत गई थी तो साउथ अफ्रीका वुड लाइक टू फॉरगेट दैट एंड आई वुड सपोर्ट साउथ अफ्रीका बिकॉज ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड कप आई तो बहुत बार जीत चुके हैं दिमाग खराब कर देते हैं आके। लग रहा है साउथ अफ्रीका फिर से चोक कर चुके हैं।
A few moments later. का लेंस है मेरे भाई का, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी चल रहा है साथ में। हेलो महाराज, मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा था, बट ऑस्ट्रेलिया आउटप्लेड देयर ओपोनेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स। थोड़ा और कांटे का टक्कर होता ना तो मजा आता, बट एट द एंड इट वाज अ डिसेंट गेम और मिलर भाई का 100 ने तो दिल जीत लिया। अब बस यही उम्मीद है कि 19 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया सेकंड प्लेस का मेडल जीते, और आप सब भी कमेंट सेक्शन में टीम इंडिया के लिए अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ, एंड लेट्स होप कि 19 नवंबर को once again India becomes world champions.